चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है? दूसरा है। देखना क्वेश्चन क्या बोला था, वस्तु की ऊंचाई ये दिया हुआ था कितना, 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई ये दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी F ये कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस का होगा क्योंकि लेंस कैसा है, उत्तल लेंस। तो हमें तीन चीज दे दिया, हमसे पूछ क्या रहा है बोलो। हमसे पूछा है वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखना हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस f बटे f माइनस u बराबर h2 बटे h1। ये दर्पण में होता है, लेकिन लेंस में क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस। तो हमने बताया था कि आवर्धन क्षमता में केवल u का चिन्ह चेंज होता है, और जब वो तीन सूत्र लिखेंगे तो केवल u का समान रहता है, बाकी सब चेंज। तो यहाँ से m बराबर माइनस f का मान कितना है, 30 बटे 30 प्लस u का मान 25, सॉरी u का मान यहाँ पे नहीं पता है, प्लस सॉरी बराबर h2 का मान कितना दिया है, 50, और h1 का मान 25। तो 25 दूना 50, ये कट जाएगा, इसको इससे काट सकते हैं, आ जाओ इसको इससे काटेंगे तो कितना बचेगा, ये 15। तो इधर कुछ नहीं बचेगा, केवल एक बचेगा, तो लिख सकते हैं माइनस 15 बटे 30 प्लस यू बराबर 1। इसको इधर ले जाओ, क्या बचेगा, माइनस 15 बराबर 30 प्लस यू। अब 30 को उस पार ले जाओ तो u बराबर कितना आ जाएगा, -15 -30, तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 45 सेंटीमीटर। और u माइनस में आना भी चाहिए, लेकिन हमसे u नहीं पूछा है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो देखोगे लेंस कैसा है, उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस से वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और आभासी भी बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तो उत्तल लेंस से दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। एक बार हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना होगा, वास्तविक, और दूसरा बार क्या मानते हैं, प्रतिबिंब कैसा बना होगा, आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर हम लोग चले तो भी का फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू यू बटे यू माइनस एफ। ये दर्पण में होता था, लेकिन भी का फार्मूला चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस। तो भी बराबर एफ का मान 30, यू का मान -45 बटे यू का मान -45 प्लस 30। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 15 3 4 12 और 1 13। 1 0 है तो 1 0 लगा दो, माइनस है तो माइनस कर दो, -45 + 30 कितना बचेगा, माइनस का 15, यही बचेगा ना। तो भी माइनस से माइनस कट जाएगा, भी बराबर कितना आ जाएगा, 15 + 45 = 135, 90 सेंटीमीटर। 15 का पहाड़ा नहीं बनता है क्या, 15 × 135 9 times, और 0 है ही, तो आ कितना गया, 90 सेंटीमीटर प्लस में। तो अब देखना हमसे क्या पूछा था, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी है, 45 सेंटीमीटर,
प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 90, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, वस्तु से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी। लेकिन अगर हम लोग ऐसा माने कि प्रतिबिंब कैसा था, आभासी, ये तो वास्तविक की बात हो गई, आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो अगर प्रतिबिंब आभासी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा फार्मूला है इसमें देखोगे तो हमारे पास u का मान कितना है माइनस का 45, v का मान तो ज्ञात करना पड़ेगा, f बराबर प्लस का 30 सेंटीमीटर। और ये तो अब हमारे पास प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक था तो भी कितना आ गया 90, 90 प्लस 45 जोड़ोगे कितना आएगा 135 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर जोड़ दोगे, हमें जो ज्ञात करना था, ये क्या ज्ञात करना था, वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी, तो u प्लस भी, चिन्ह नहीं लेंगे, चिन्ह केवल ये बता रहा है कि वस्तु जो है वास्तविक है और लेंस के सामने रखी हुई है, ठीक है। तो 45 प्लस 90 हाँ कितना जाएगा 135 सेंटीमीटर। हमसे यही पूछा था कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। लेकिन अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। तो अगर आभासी है तो यहाँ पर जो m का फार्मूला यूज किए हैं माइनस नहीं होगा, क्योंकि आभासी के लिए m क्या होता है प्लस, तो फार्मूला यही होगा, बस यहाँ माइनस नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर m बराबर क्या लिख देंगे, f बटे f प्लस u बराबर h2 बटे h1। तो f कितना है 30 बटे 30 प्लस u बराबर 50 बटे 25, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो इधर बचेगा कितना 15 बराबर 30 प्लस u, 30 को उस पार ले आओगे तो u बराबर क्या बचेगा माइनस का 15 भाई, प्लस 30 से उस पार जाएगा तो माइनस 30 प्लस 15 कितना बचेगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। यहां से u का मान आ गया और u माइनस में आना भी चाहिए, तो हाँ ये तो वहां पे आया था 45 सेंटीमीटर। अब अच्छा इसको मिटा देते हैं क्योंकि आभासी के लिए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं u। अब देखना इसी में अब हम लोग भी ज्ञात करते हैं, तो हमने क्या बोला आभासी प्रतिबिंब है तो भी u का मान आ गया, फार्मूला देखो ये लिखा है, लगा देते हैं क्या f इंटू यू बटे u प्लस f, तो भी बराबर f का मान 30, u का मान माइनस 15 बटे u का मान माइनस 15 प्लस 30, तो भी बराबर 15 × 45 450, लेकिन माइनस का, ये 15 और 30 कितना बचेगा 15, 15 × 45 तो भी कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, भी माइनस 30 सेंटीमीटर आ रहा है, यू कितना आया है माइनस 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा u प्लस भी, u कितना है 15, भी कितना है 30, हाँ कितना जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो इसके दो दो आंसर सही होंगे, एक तो 135 सेंटीमीटर सही होगा और दूसरा 45 सेंटीमीटर सही होगा। अगर वो कुछ नहीं बोलता है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बताना है या आभासी के लिए, तो हमारा दोनों में से जो आंसर आ जाएगा वही सही है। और अगर वो स्पेसिफिक बोल दे कि आभासी प्रतिबिंब के लिए बताइए या वास्तविक के लिए, तो फिर हमें अलग अलग बताना होगा, या कि फिर इसमें m का मान आभासी के लिए प्लस होता है, वास्तविक के लिए m का मान माइनस होता है।
यहाँ पर लेंस बनाते हैं और उत्तल लेंस में अगर वस्तु मान लो यहाँ रखी है ये वस्तु, तो जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ कहीं बनता है। तो ये हो गया प्रतिबिंब और ये हो गई वस्तु। वस्तु की दूरी हमें कितनी मिली थी इधर पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब की कितनी मिल रही है 30, ये वाली दूरी कितनी है 30। तो हमसे क्या बोला है दोनों के बीच की दूरी, तो 15 ये u माइनस भी कर देंगे, भी माइनस u बराबर 30 माइनस 15, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बनता है, लेंस के पीछे नहीं बनता, लेंस के पीछे सभी वास्तविक बनते हैं 5 के 5। तो देखना अगर हम लोग साइन कॉन्वेंशन की बात करें या चिन्ह परिपाटी की, तो चिन्ह परिपाटी का हमेशा एक ही रूल याद रखना, क्या कि प्रकाश की दिशा में चलने पर प्लस लेना है, दूसरा प्रकाश की विपरीत दिशा में चलने पर माइनस लेना है, बस ये दो चीज। अब देखना हम लोग ले रहे हैं इधर उत्तल लेंस और ये हो गया उसका मुख्य अक्ष और ये हो गया प्रकाशिक अक्ष। तो देखना जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे क्या रख दिए वस्तु, अब वस्तु है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी और चलेंगी तो अपवर्तन इसका होगा, अपवर्तन के बाद ये अभिलंब की ओर झुक जाएंगी और ऐसे निकल देगी। तो मानते हैं ऐसा कि ये प्रकाश की किरणें जहाँ पर आपस में मिलेंगी वहाँ पर इनका क्या बनेगा प्रतिबिंब। तो मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है इमेज, देखोगे इमेज कैसा हो गया उल्टा, अगर ये देखोगे तो इमेज कैसा हो गया है उल्टा। हमने बताया था कि सभी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं, ये फिक्स है, चाहे लेंस में हो चाहे दर्पण में। तो प्रतिबिंब तो कैसा बना है वास्तविक, क्योंकि हमने बताया था लेंस के इधर जितना भी बनेगा सभी क्या होंगे वास्तविक, और लेंस के इस साइड जितने बनेंगे वो सभी क्या होते हैं आभासी। आभासी हमेशा सीधा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। अब इसका चिन्ह प्लस माइनस ये सब कैसे लोगे, देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रकाश भी आ रहा है इधर और हम लोग भी जा रहे हैं उसी के डायरेक्शन में, तो भी क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस। लेकिन अगर वस्तु की दूरी यू की बात करें, ये क्या है यू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है भी, तो प्रकाश भी आ रहा है इधर और हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ से इधर, क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से नापेंगे प्रकाशिक केंद्र से, तो यहाँ से जाएंगे प्रतिबिंब की ओर, तो भी क्या हो जाएगा प्लस। वस्तु की दूरी कहाँ से नापेंगे प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की ओर, तो इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं तो प्रकाश के कहाँ चल दिए विपरीत, तो यू क्या हो जाएगा माइनस। तो यू चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो सभी के लिए यू क्या होगा माइनस, लेकिन प्रतिबिंब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो चिन्ह परिपाटी में क्या कि अगर इसके दिशा में चल रहे हैं प्रकाश के तो प्लस होगा और अगर इसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस। इसी तरह से देखोगे तो अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस से तो केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है और वो कैसा होता है आभासी होता है, कैसा होगा आभासी। तो ये है वस्तु, यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी और ये ऐसे, तो जब इसको पीछे की ओर हम लोग क्या करें मिलाएं तो इसका प्रतिबिंब इसको ऐसे, तो यहाँ पे क्या बन गया इसका प्रतिबिंब, देखोगे एरो जैसा है वैसा ही बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया सीधा
और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी। अब देखोगे तो अगर हम लोग वस्तु और प्रतिबिंब की बात करें तो वस्तु की दूरी यहां से हो जाएगी ये u, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी यहां से यहां तक v। तो प्रकाश आ रहा था इधर, हम लोग जा रहे हैं उधर, तो u क्या हो गया माइनस। प्रतिबिंब भी इधर ही बना है तो भी क्या हो जाएगा माइनस। तो दर्पण में उल्टा होता था, दर्पण में क्या होता था कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता था तो भी माइनस आता था, लेकिन लेंस में उल्टा होता है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो भी प्लस आता है, आभासी यहाँ पे बनता है जो माइनस आता है, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बन रहा है और हम लोग भी इधर जा रहे हैं लेकिन प्रकाश उधर से आ रहा है। तो उत्तल लेंस में भी प्लस होता है, अवतल लेंस में भी माइनस होता है, यू दोनों जगह माइनस होगा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यू अवतल लेंस में भी उत्तल लेंस में भी दोनों जगह क्या होगा देखोगे तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, लेकिन भी उत्तल लेंस में प्लस भी होता है माइनस भी होता है। अभी प्लस है, माइनस कब होता है, जब इसका यहाँ पे इमेज बनता है ये वाला आवर्धक लेंस वाला। तो देखोगे तो हम लोग कहाँ चलती है, इधर प्रकाश आ रही है इधर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है माइनस। तो उत्तल लेंस में भी माइनस और प्लस दोनों होता है, अवतल लेंस में एक ही कंडीशन होती है कि अगर अवतल लेंस के सामने वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी छोटा और जो होता है सीधा बनता है, तो भी क्या हो जाएगा माइनस। तो चिन्ह परिपाटी इसमें वहाँ से थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर जो भी तुम लोग लेते थे भी अगर प्लस है तो वास्तविक, यहाँ पे भी प्लस है तो वास्तविक लेते थे, वहाँ पे आभासी। लेकिन एक आवर्धक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक आवर्धक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक आवर्धक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने इसके सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखें ताकि, इसके सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखें ताकि इसका प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, इसका प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, इसका प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। करो सॉल्व। देखना क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। बोलता है कि एक आवर्धक लेंस है, तो आवर्धक लेंस इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। भाई आवर्धक लेंस इसको तभी बोलते हैं जब वो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बना दे और वो भी इस लेंस के सामने, ये वाली कंडीशन। तो अगर ऐसे कंडीशन में बनाता है तभी उसको आवर्धक बोलते हैं, वैसे जनरली क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। तो आवर्धक लेंस बोला है तो प्रतिबिंब आभासी है, और प्रतिबिंब आभासी होता है तो भी क्या हो जाएगा माइनस। कितना दूर, 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दिया हुआ है प्लस का 10 सेंटीमीटर। यू हमें ज्ञात करना है, कहाँ रखें, वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखना हमारे पास u बराबर फार्मूला क्या होता है, f इंटू वी बटे वी माइनस एफ। तो हमने बताया था कि चाहे दर्पण का फार्मूला हो चाहे लेंस का, दोनों में ये सेम ही रहता है। तो u बराबर f कितना है,
दस, भी कितना है माइनस का तीस, माइनस तीस माइनस दस, माइनस तीस का दस से गुणा कर दो कितना आ जाएगा माइनस का 300, माइनस तीस माइनस दस कितना आ जाएगा माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये कितना हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से यू कितना आ जाएगा 7 × 4 = 28, बचेगा कितना 2.5 सेंटीमीटर, यही आएगा सात दशमलव पाँच। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा तथा फोकस से बिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तथा फोकस से बिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, हमें क्या बोला है कि लेंस कैसा है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है तो फोकस f क्या होगा प्लस, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और तुम्हें बोल रहा है फोकस से वस्तु या बिंब की दूरी, फोकस से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ये ज्ञात करना है, ये तुम्हें यू नहीं दिया है, ध्यान रखना यू क्या होता है लेंस से दूरी, ये हमने बना दिया उत्तल लेंस, ये उसका प्रकाशिक अक्ष और ये मुख्य अक्ष, ये है फोकस f, और यहाँ पर वो क्या बोल रहा है फोकस से वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु यहाँ रखी है तो फोकस से वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर ये दिया है, वो लेंस से वस्तु की दूरी नहीं दिया है, पहली बात। तो फोकस से वस्तु की दूरी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इधर भी फोकस होता ही है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, फोकस बोला है ना 10 सेंटीमीटर, तो इधर भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, तो हमें लेंस से वस्तु की दूरी मिल गई कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, या वो ऐसे भी पूछ सकता था कि फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, तो हम लोग दोनों कर लेते हैं। पहला क्या कि हमें जो है वस्तु की दूरी नहीं दिया, यही केवल दिया है, तो न्यूटन का सूत्र पता है, न्यूटन सूत्र से, न्यूटन सूत्र क्या बोलता है, फोकस दूरी f बराबर रूट x1 x2, x1 क्या होता है ये दूरी, और x2 क्या होता है यहाँ से जहाँ भी इमेज बनेगा, मान लेते हैं कि इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये दूरी होती है x2, फोकस से वस्तु की दूरी x1, फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2,
एक्स वन का मान वो दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, एफ दिया है 10 सेंटीमीटर, रूट को हटा दो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, एक्स वन का मान 5, एक्स टू मिल जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 का 5 से डिवाइड कर दो 20 सेंटीमीटर, तो एक्स टू हमें मिल गया। एक्स टू क्या होता है, फोकस से इमेज की दूरी, ये दूरी हमें मिल गई 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, लेंस से इमेज की दूरी, 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, एफ प्लस एक्स टू बराबर 10 + 20 बराबर 30 सेंटीमीटर। और अगर भी प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। प्रकाश की एक अभिसारी पुंज, प्रकाश की एक अभिसारी पुंज पर्दे के मध्य बिंदु पी पर, पर्दे के मध्य बिंदु पी पर तीक्ष्ण प्रतिबिंब बना रहा है, पर्दे के मध्य बिंदु पी पर तीक्ष्ण प्रतिबिंब बना रहा है, तीक्ष्ण प्रतिबिंब बना रहा है, पुंज एवं पर्दे के मध्य एक लेंस को रखते हैं, पुंज एवं पर्दे के मध्य एक लेंस को रखते हैं, पुंज एवं पर्दे के मध्य एक लेंस को रखते हैं, जब पर्दे से लेंस की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है, जब पर्दे से लेंस की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है तो, जब पर्दे से लेंस की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है तो ऐसा पाया जाता है कि, ऐसा पाया जाता है कि पर्दे पर पुनः तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, पर्दे पर पुनः तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, पर्दे पर पुनः तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को लेंस से, पर्दे को लेंस से 8 सेंटीमीटर दूर प्रतिस्थापित करना होता है, 8 सेंटीमीटर दूर प्रतिस्थापित करना होता है, तो लेंस की प्रकृति, तो लेंस की प्रकृति एवं लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो लेंस की प्रकृति एवं लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, चलो इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्या बोला है कि एक प्रकाश की जो किरण है वो इस तरह से आ रही थी और वो किसी पर्दे के मध्य बिंदु पर, जिसको वो क्या बोल रहा है, पी, ये क्या है, पर्दा,
तो वो बोलता है कि पर्दे के मध्य बिंदु पर एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब या इमेज बनता है। तो यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है क्योंकि वो क्या बोला है, अभिसारी, अभिसारी बोला है ना, तो अभिसारी बोला है मतलब एक जगह पर किरणें एकत्रित होंगी, तो एकाग दो और भी डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोलता है कि पर्दे के मध्य बिंदु पी पर ये एकत्रित होती हैं और जो है प्रतिबिंब बनाती हैं। ये बोलता है कि पर्दे और किरण के बीच में एक लेंस डाल देते हैं, वो ये नहीं बताया कौन सा लेंस है, लेकिन वो बोला कि एक लेंस को डाल देते हैं। तो वो बोलता है कि इसका प्रतिबिंब जो है पुनः पर्दे पर ही प्राप्त करने के लिए कितना 8 सेंटीमीटर इसको खिसकाया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेंस लगा दें, मान लो उत्तल या अवतल, अगर उत्तल लगा देते हैं, ठीक है, तो उत्तल लगाएंगे तो ये प्रकाश की किरणें और पहले सिमट जाएंगी, यानी कि अब जो यहाँ पे मिल रही थी वो यहाँ कहीं मिलेंगी। अगर सपोज करो अवतल लगा दें, ये प्रकाश की किरणें यहाँ ना मिल करके इधर कहीं मिलेंगी, क्योंकि अवतल क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैला देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो लेंस लगा रहा है वो क्या बोल रहा है कि कितना विस्थापित करना पड़ता है, 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। तो अगर 8 सेंटीमीटर विस्थापित करना पड़ता है तो ये हम लोग लगा दे रहे हैं लेंस, यहाँ से इसकी दूरी कितना बोला है 10 सेंटीमीटर। ये बोलता है जब लेंस को लगाते हैं तो अब प्रकाश की किरणें जो है, इसको हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि अब ये प्रकाश की किरणें इधर कहीं फोकस होंगी, क्योंकि एक्चुअल में होंगी नहीं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें दूसरी जगह निकल जाएंगी। तो ये हो गया हमारा पर्दा और इसका बिंदु पी। तो ये बोलता है कि इसको कितना शिफ्ट करना पड़ता है पर्दा को, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैला देगा। तो ये किरणें यहाँ पर ना होकर के बल्कि ये ऐसे आएंगी और इधर चली जाएंगी। तो हम लोग मान रहे हैं कि ये अगर ऐसे आती तो यहाँ पर फोकसित होता। तो वो बोल रहा है कि जब प्रतिबिंब जो पर्दा है उसको कितना शिफ्ट करना पड़ गया, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी कितना आ रहा है, 10 + 8, तो प्रतिबिंब कहाँ पे मिलता है, 18 सेंटीमीटर पर। उसके बाद अगर यहीं पे देखें तो लेंस से वस्तु या बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, तो अब ये जो पहले फोकसित हो रहा था कब, बिना लेंस के, अब वो किसका काम करेगा, वस्तु का। उत्तल लेंस में क्या होता है, जहाँ पे वस्तु रखते हैं उसी के आसपास में प्रतिबिंब बनता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे वस्तु रखे तो प्रतिबिंब इस पार बन जाएगा, तो प्रतिबिंब इधर बन रहा है। तो वस्तु की दूरी लेंस से कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वस्तु इधर है, प्रकाश भी इधर ही आ रही है, तो प्लस का 10। प्रतिबिंब की दूरी भी, ये प्रकाश की दिशा में है तो ये भी प्लस। हमसे पूछा क्या है, लेंस की प्रकृति और लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी F, ये ज्ञात करना है। तो फोकस का फार्मूला F बराबर क्या होता है, या कि फिर ये भी लगा सकते हैं, 1/F बराबर 1/U + 1/ लेंस है ना, तो माइनस में। तो देखना यहाँ पर 1/F ज्ञात करना है, 1/U, U कितना है लेंस से वस्तु की दूरी, 10, माइनस ये कितना है, 18। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 180, 10 से 10 कटेगा बचेगा कितना, 18 माइनस 10 कितना बचेगा, 8/180। तो इसको रिवर्स कर दोगे यानी उल्टा, तो 180/8 भाग दो, 8 × 16 बचेगा कितना, 4, तो 4 × 16 = 2, 2 = 20, तो 8 × 16 फिर कितना बचेगा अब, 4, तो 8 × 5 = 40। तो देखोगे ये किस में आ रहा है, प्लस में, तो F प्लस में आ रहा है
और कितना होगा 22.5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था, फोकस दूरी। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को, बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की एक उत्तल दर्पण के सामने, एक उत्तल दर्पण के सामने, एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक बिंदु वस्तु को लेंस से, लेंस के, एक बिंदु वस्तु को लेंस के, एक बिंदु वस्तु को लेंस के मुख्य अक्ष पर कितनी दूरी पर रखें, मुख्य अक्ष पर कितनी दूरी पर रखें, मुख्य अक्ष पर कितनी दूरी पर रखें ताकि, ताकि बिंब का प्रतिबिंब, ताकि बिंब का प्रतिबिंब, ताकि बिंब का प्रतिबिंब बिंब पर ही बने, बिंब पर ही बने। क्वेश्चन नंबर कितना है, देखना तुम्हें क्या बोला है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी f दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। ये बोलता है कि लेंस के सामने एक उत्तल दर्पण लगा देते हैं, कितने दूरी पर 10 सेंटीमीटर पर, तो एक उत्तल दर्पण यहाँ पर लगा दिया जा रहा है। और बोलता है कि इसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वो बोलता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को रख दो, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऑब्जेक्ट या वस्तु रखी है, तो बोलता है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु पर ही। वो बोला है ना कि बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बने, बिंब पर ही, तो वस्तु की दूरी लेंस से क्या होगी, तो देखोगे तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी और यहाँ पर अपवर्तन होगा और ये ऐसे चली जाएंगी, लेकिन दर्पण क्या बोलता है कि यदि वस्तु को कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर, और वक्रता केंद्र पर बनेगा तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ से चलेंगी और यहाँ से वापस लौट जाएंगी, ठीक है, तो अब यहाँ से लौटेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, वस्तु पर ही, तो अब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बन गया, तो देखोगे लेंस से
प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 + 15 = 25 सेंटीमीटर। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन कितना प्लस का, तुम्हें लेंस की फोकस दूरी दिया है, लेंस की फोकस दूरी कितना प्लस का 20 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछ रहा है लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी u, ये क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो हमारे पास भी है f है, u का मान ज्ञात कर सकते हैं, 1/f = 1/u - 1/v। तो 1/f का मान कितना है, 20, u का मान ज्ञात करना है, v का मान 25, इसको उस पर ले जाओ, 1/u = कितना आ जाएगा, इसको उस पर ले आएंगे तो 1/20 + 1/25, इसको सॉल्व कर दो, 1/u = 20 × 25 और 20 से 20 कटेगा, इधर कितना बचेगा 25 + 25 से 25 काट दो, इधर बचेगा 20, तो 1/u = 20 + 25 कितना आ जाएगा, 45, और ये 20 × 25, इसको रिवर्स कर दो तो u बराबर कितना आ जाएगा, 20 × 25/45, इसको काट सकते हो, बोलो काट दो, ये कितना 5 × 25, ये 5 × 45, 20 × 5 = 100, 100/9, सॉरी 100/9, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 11 सेंटीमीटर, 1, 2, 4, 5 जो भी डालना है कर सकते हो अपने हिसाब। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 12 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी है, एक बिंदु वस्तु रखी है, लेंस की दूसरी तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेंस की दूसरी तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल दर्पण को इस प्रकार रखा गया है कि दूरी पर एक उत्तल दर्पण को इस प्रकार रखा गया है कि उत्तल दर्पण को इस प्रकार रखा गया है कि दोनों के संयोजन से बने बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब एक ही
बिंदु पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तुम्हें इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ दिया है, कितना 10 सेंटीमीटर। बोलता है कि इसके मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रख देते हैं, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ये बोलता है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल दर्पण लगा देते हैं। तो बोलता है कि अगर बिंब का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर या बिंब पर ही बने तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे क्या बन गया इमेज। तो हमसे दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है इसकी। तो देखना हमारे पास लेंस से वस्तु की दूरी मिल जाएगी, लेंस से वस्तु की दूरी कितना है माइनस का 12 सेंटीमीटर। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी नहीं पता लेकिन लेंस की फोकस दूरी पता है, लेंस की फोकस दूरी एफ ये कितना है 10 सेंटीमीटर। भी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, एफ इंटू यू बटे यू प्लस भी, सॉरी यू प्लस एफ, इससे कर सकते हैं। एफ का मान कितना है 10, यू का मान माइनस का 12 बटे माइनस 12 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 120 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, इसका आधा कर दोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, भी कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी कि लेंस से इमेज की दूरी कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो लेंस से इमेज की दूरी ये कितनी है टोटल 60 सेंटीमीटर। तो देखोगे कि दर्पण से इमेज की दूरी कितनी होगी, ये दूरी 10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60, तो ये बाकी की बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। भाई दोनों को जोड़ो 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मिली है, ये 50 होगा तो ये 10 होगा, कितना हो जाएगा 60। तो हमसे इमेज की दूरी नहीं पूछी थी, हमसे क्या पूछा था फोकस दूरी किसकी, फोकस दूरी दर्पण की। तो यहाँ पर देखोगे तो ये दूरी 50 है, यानी कि वक्रता त्रिज्या की दूरी 50 दिया है, तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है वक्रता त्रिज्या आर बाई 2, आर का मान हमें दिया है कितना 50 सेंटीमीटर और ये 2, एफ बराबर कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा